नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछि मु स्मृतिलग्न आसंतु देखिबा हेडलाइंस महांगाई दुई बीजेपी नेतां को हत्या घटना कटक जिलार समस्त ब्लॉक रे विक्षोभ करबा बीजेपी दोषी को धरिबा को पुलिस को 7 दिन रो देला समय 13 नंबर अभियुक्त भाबे मंत्री प्रताप जेना को नाम रे एतला मंत्री प्रताप जेना को लेखा सिंह को टारगेट आईन मंत्री ना क्राइम मंत्री ट्वीट करी कले प्रश्न कहले मंत्री को प्रोत्साहन रे महांगारे रक्तमुखा साजिछि बीजेडी मंत्रिमंडल रु बर्खास्त करे महांगा नृतांग गाँव में दुई बीजेपी नेता शेषकृत्य संपन्न शोकाकूल परिवेश रे सरिला अंत्येष्टि क्रिया योजनाबद्ध भाव में गाँव में विद्युत काटि कुलमणि बराल दिग्व सिंह बराल को कराइथिला हत्या बेंगल मुहा ओडिशार राजनैतिक हिंसा महांगा पूर्वर बांकीर विकास जेना खोर्धार मंगुली जेना हत्यार रहस्य भेदी पारिनि पुलिस 2017 पंचायत निर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा रे जाइछि 10 अधिक जीवन आज शपथ नेबे ओडिशा हाईकोर्टर नूतन मुख्य विचारपति राजभवन अभिषेक हॉल रे डॉक्टर एस मुरलीधर को शपथ पाठ कराइबे राज्यपाल निखोज बिरजू कुल्लू पुणी थरे राति गोटाए रु घर निखोज कुत्रा थाना रे निखोज रिपोर्ट दाखल कले भूणी संपूर्ण खबर को आसीबा महांगार नृतांगरे शोकाकूल परिवेश भितरे गतकाली स्वर्गत बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल शेषकृत्य संपन्न होईछि बीजेपी तरफ एक विशाल शोभायात्रा द्वारा मर शरीर को प्रथम गाँ को अणा जाइथिला जेउंटी पूरा गाँव में शोकाकूल परिवेश देखा मिलता इस समय बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार प्रमुख जोग देते महांगार वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्या घटन विवाद रे आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्री प्रताप जेना ना थाना एतला दि जा 14 जन ना थाना एतला दि जा 13 नंबर अभियुक्त भाव मंत्री प्रताप जेना रही ना सेपटे हत्या घटन आईन मंत्री प्रताप जेना कड़ा समालोचना बीजेपी राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार लेखाश्री मंत्री को समालोचना करने सहित आईन मंत्री ना क्राइम मंत्री बोली ट्वीट करी प्रश्न पचारि मंत्री प्रोत्साहन में महांगा अंचल में विजु जनता दल रक्तमुखा साजिशी लेखाश्री सामंत सिंहार एथसहित मंत्री ना एफआईआर थवर मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री तुरंत बरखास्त करूँ से दावी करपटे समस्त अभियुक्त गिरफ दाबी आसंता कालीठारु कटक जिलार प्रत्येक ब्लॉक रे विक्षोभ कर बीजेपी 7 दिन भितर समस्त अभियुक्त को गिरफ करा नगले राज्यव्यापी प्रतिवाद चेतावनी देउछि दल दीर्घ 21 वर्ष शासन कला परे विरोधी कथा शुणापाई कि धैर्य ना कि विरोधी जे कौ दिन गणतंत्र रे आसिक शासन क्षमता रे बसिबे ये जो संभावना को हजम करने कि भी हृदय ना आउ भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता प्रत्येक दिन बढ़ुची केवल से नुहे प्रत्येक कर्मी लगी केमी शासक दल दुर्नीति भ्रष्टाचार को मुखा खोलिबे एवं प्रताप जेना तो मुझे कह सी आईन मंत्री नुहंती से क्राइम मंत्री तबे प्रताप जेना विरोध रे अनेक अभियोग गाँ लोक आनी प्रोत्साहन रोची से छत्र छाया तले अपराधी रोचे नहले दुई वर्ष पूर्वर जो घटना रही विकास जेना हत्याकांड घटना से सामान घटना घटी एवं पर दिन राति घटनार पुनरावृत्ति जितेबले कुलमणि बराल मृत्यु कथा सामना को आसलाजोगी हत्या कथा सामना को आसला तो यह एक क्षेत्र में पूर्वर जो अभियुक्त थे सीए कौन पर वर्तमान सुधा गिरफ होना से खुलम खुला बुलूँच निज निर्वाचन मंडल
प्रताप जेना काही प्रश्न उठाउ नहांती जे अभियुक्त माने खुलम खुला बुलिले केमिति एवं पुलिस प्रशासन करिबो कोन जेतेबेले मंत्री को छत्र छाया तले अपराधी माने रहउछंती एमिति गुडाय अभियोग आसीछि प्रताप जेनांकर नारे तांकर नारे एतला मध्य दिया जायछि जाकने के राजनीतिक माहौल रे मध्य चर्चा जोर सेपटे विरोधी मध्य अभियोग आनिछंती महांगार वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलमणि बराळ एवं दिव्य सिंह बराळंक हत्या घटना रे विवाद रे दिनकु दिन अधिक फसी जाउछंती आईन मंत्री प्रताप जेना अनेक प्रश्नर सम्मुखीन होगा पड़ी एवं गोटे उत्तर से रखी जे निश्चित भाव यार जी अभियुक्त माने अछंती समान को धरा जीव किंतु पूर्व अभियुक्त एपर्यंत काहे की धरा होई नांती कहार प्रोत्साहन रही चंती सी होची सबुठ बड़ प्रश्नवाची महांगा डबल मर्डर घटना को नहीं विवाद रे मंत्री प्रताप जेना भूमिका को नहीं प्रश्न उठाऊ बीजेपी सेपटे जो मान नाम अभियोग आसी से घटना घटना पूर्व साक्षात कर खोद स्वीकार कर मंत्री आउ मंत्री को टार्गेट कर विरोधी प्रताप महांगा अंचल हो नहांगार अशांति सृष्टि करजेपी नेता शारदा प्रधान से विरुद्ध अभियोग आणुचे सरपंच हजबैंड से सरपंच को हस्बैंड तेणु से मो सहित भेटी मत देखा किंतु जहाँ घटना पूर्वर बिवाद रे मंत्री प्रताप जेना निज निर्वाचन मंडल में होता राजनैतिक हत्याकांड को नहीं बद को आसी प्रताप जेना महांगा बीजेपी नेता कुलमणि बराळ और दिव्य सिंह बराळ हत्याकांड घटना रे जो माने संपृक्त से मानकु सुरक्षा देइछंती खोद महांगा विधायक तथा आईन मंत्री प्रताप जेना एपरिकी जो मानक नारे आसी अभियोग से माने घटना पूर्व मंत्री को भेटिथिबा स्वीकार करिछंती खोद मंत्री प्रताप जेना आउ प्रताप को एपरि बयान तांकु राजनैतिक महल रे पूर्णी चर्चा को आनिछे राजनीतिक दृष्टि रु बीजेपी आमर विरोधी दल भाव कौन कहे से बड़ कथा नुहे किंतु ये घटना कहीं घटला एो मैंने संपृक्त तदंत है जनापड़ब एवं आमर विश्वास जहाँ सत्यासत्य रही से निश्चित भाव पदा को आसो सेबड़े प्रताप को एपरी कार्य को नहीं टार्गेट करजेपी जेहेतु प्रताप जेना महांगा मटीर नुहति सेथिपाई से संस्कृति संपन्न महांगारे अशांति सृष्टि करुछंती गोटिए पटे अहिंसा को मुखबंधरे सामिल करिबा कथा दलर मुखिया कहुथुबा बळे निज दलर नेता तथा मंत्री केमिति हिंसा को प्रोत्साहन देउछंती एहाकु नै प्रश्न करिछि बीजेपी सेपटे एपरि राजनैतिक हत्याकांड सभ्य समाज रे ग्रहणीय नुहे बोली कांग्रेस कहिछि आ राज्य रे राजनैतिक हिंसा आरंभ होइछि बोली कहिछंती पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक तार राजनीतिक हिंसार चरित्र ओडिशा राजनीति रे समस्त जानते घर कौट सब जानते द्वार कौट जानते कौट रोचंती आम विधायक मूल पुंजी है हिंसा जेहेतु महांगा निर्वाचन मंडल लोक नुह सी गोटे बाहर लोक तेणुक आम भितर किए मल्ला परस्पर हणामरा केस कले जेल गले तार किसी इमोशनाल आटाचमेंट दल रे ना आम निर्वाचन मंडल तेणुक ये सब घट तेणुक बंगाल भले आई पारे बंगाल ठू बेसी आई पारे किए कही पारे तो दि वर्ष भितर जड़े पंचायत सहप्रमुख आम दलित नेता विकास जेना हत्या है से लीडर ऑफ अपोजिशन आम स्टेट प्रेसिडेंट जाकि परिवार को आम भेटिले तापर मध्य पुलिस कौन सी सहायता ना कि दोषी आज पर्यंत गिरफ्तारे ना सोमवार सीए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नौ महांगा निर्वाचन मंडल विभिन्न दुर्नीति की विभिन्न जनविरोधी कार्यक्रम को सी लोकलोचन को आने प्रचेषा जारी रही है सी गोटे पूरा पॉलिटिकल लाइफ सारा सी गोटे पॉलिटिकल कर्मी तेणु से को टार्गेट कर जे लोक रास्तु केमी हटा जा पूर्व मर्डर कर बारम्बार पदक्षेप नि से कथा पुलिस जाणी प्रशासन जाणी किंतु शासक दल चापर से मंत्री अच्छा विधायक अच्छा चापर या रखा जाता ए समस्त कथा विजु जनता दलर सेठिकार विधायक एवं मंत्री प्ररोचन होता ए संदेह कुलमणि बराळ करिथिले एवं सेथिपाई मुख्यमंत्री को निवेदन करिथिले जे तदंत करंतु हत्याकारी को धरंतु आमको सुरक्षा दियंतु
कौनसी कथा मुख्यमंत्री करिले नाही। ओडिशार आईन र दायित्व मुख्यमंत्री को पाखरे, ओडिशार होम मिनिस्टर होउछंती मुख्यमंत्री निजे निजे मुख्यमंत्री निवेदन करुछंती केंद्र सरकार को जे संविधान रे अहिंसा शब्द लेखिबा पई एवं अहिंसार नेतृत्व निजे मुख्यमंत्री को सरकार नौची, तेणु भारतीय जनता पार्टी या निंदा करुची। तुरंत हत्याकारी को धरा जाऊ एवं निजे मुख्यमंत्री यही जो पूरा तदंतर पूरा मॉनिटरिंग करंतु। यह एक एक दुर्भाग्यजनक घटना, से महाशय आमर भी पूर्वर कांग्रेस दल रे थिले कार्यदक्ष व्यक्ति, तंगु जेपरि भाव हत्या कला राजनैतिक हत्या आम राज्य आरंभ है, नारी निर्यातना जपरि बढ़ी चली राजनैतिक हत्या कार्य भी सेमती आरंभ हो गला, यह दुर्भाग्यजनक। मुझेपाई सरकार को अनुरोध करुच्ची दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ यहीपरी कार्यक्रम केत कर्मी मानी नहब किए कह जदि यू एनकरेज करा जाए राजनैतिक हत्या गंडगोल सब स्प्रेड करना। ओडिशा रे राजनैतिक हिंसाकांड विरोधी दल नेता हत्या करी शासक बीजेडी लोकों मनरे आतंक सृष्टि करने को प्रयास करुच्ची अभियोग करिछंती विरोधी। कटकु इमरान खान विश्वजीत दास भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजनैतिक हिंसा रे बेंगल रास्तारे जाउछि कि ओडिसा महांगारे दुई जन बीजेपी नेतांक हत्या परे बे एमिति प्रश्न को नै वितर्क आरंभ होइतबा बेले किछि वर्षर प्रमुख घटना ओडिसा माटी रे बेंगल राजनैतिक असहिष्णुता को उजागर करि दैछि। आसंत नजर पकेबा 2017 पंचायत निर्वाचन समय रु एबे सुधा होइतबा राजनैतिक हत्याकांड एवं एहार तदंतर गति उपरे। 2 जनवरी महांगा नृत्यांगारे बीजेपी नेता नृशंस हत्या। पंचायतराज मंत्री निर्वाचन मंडल हत्याकांड पछरे खोद मंत्री संप्रुक्ति अभियोग मामला को अधिक संगीन कर 2 वर्ष पूर्वर पाख गाँवर बीजेपी कर्मी विकास जेना को एमिति बीजेडी कर्मी नृशंस भाव हत्या कर अभियोग होता। ए 2 हत्याकांड पछरे शासक दल संप्रुक्ति अभियोग होप्रिल 19, 2019 साधारण निर्वाचन ठीक पूर्व खोर्धा बीजेपी प्रार्थी कालूचरण खंडायतरायक सहयोगी तथा बीजेपी मंडल सभापति मंगुली जेना घर सामने गुड़ कर हत्या करते किसी दुर्वृत्त। हत्याकांड में बीजेडी संप्रति अभियोग आसवा पर क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देते सरकार, तेज वर्तमान पर्यंत हत्याकारी को धरी पारिनी पुलिस। फेब्रुआरी 15, 2020 बांकी कांग्रेस नेता भगवान स्वाई और सांपादिक आदित्य रणसिंह को शासक दल कर्मी हत्या कर अभियोग होता। यह मामलें सबु अपराधी को गिरफ्त कर पारिनी पुलिस। विगत साधारण निर्वाचन जो 2019 अप्रैल 14 तारीख दिन हत्या करा जाइछि खोर्धा नवीन बाग बीजेपी प्रार्थी कालुखंडेतरा घर सामने जो दक्ष क्राइम ब्रांचर अधिकारी माने आसंती इन्वेस्टिगेशन चलाइबा ठीक दिने दुई दिन भितर से माने अलग क्यों जगार जाकि नियोजित हो जाती जो थोड़े आम अनुमान कलु एम जाशु ये सब घटना घटे। दीर्घत वर्षे पूरी गला मोर भाई की मर्डर कराइला जोकुलांज डैम पाखे आदित्य रण सिंह भवानी स्वाई दुई जन जाक निर्मम भाव हत्या कर मेन आसामी जहाँ ना धरी से फास्ट कर पांडव प्रधान आउ जो मैंने अच्छा आउ तथा आउ 3-4 जन अच्छे भी खोलम खोला बुलूं से आरेस्ट कराई से बीजेडी दल टोटाल भाबुची जे अनाय अनीति दुर्नीति विषय रे जे सुळ उत्तोलन करा जाउची ताकु आमे हत्या करा जाउ माने तांको निजर निजस्य नेता मानुकु बा कर्मी मानुकु कहा जाउची जे तांको हत्या करा जाउ जेमति से रास्ता रे रहिला आमे पई कंटा गोटे गोटे हेबे। 2017 पंचायत निर्वाचन बेले राजनीतिक हिंसा रे जाईथिला अनेक लोकक जीवन। शासक दलर कर्मी को आक्रमण रे मृत्युवरण करथिले ठेंकानार तरभर सलमान राउत 14 जनक ना रे होईथिला अभियोग किसी लोक एपे जेल थे अनेक बेल आसी बाहर बुलूँचर। मलकानगि तमसा पंचायत सपन बाबाली मयूरभंज उदलार उत्तम विश्वाल गजपति पालाखेमुंडी कर्मडा गाँवर मीनती सबर भद्रक पंत्र सुरेश राउत कोरापुट बंधुगाँवर कामेश्वर पालका बलांगीर भुंडीमुहाणर रोहित प्रधान नारायणपाटना पालुगाँवर अभिलाष बाग कुगुड़ार शिशिर नायक हिंजिड़ीर बुलू प्रधान। राजनीतिक हिंसा रे एमती अनेक जीवन जाता तालिका बेस लंबा। 2017
2019 साधारण निर्वाचन पूर्वर भी राजनैतिक हिंसार जानेकों जीवन तेज अनेक क्षेत्र में अपराधी को धरवे सफल होना पुलिस ढेंकानाल गत जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन होता सन्मान राउत जो पिलाटी निरीह पिला भुवनेश्वर रोला तार से आसिक बीजेपी कर्मी कार्य करूला ताकू जो भली भाव अति निकट रु छाती बंधुक लगे गुड़ मारी आमे भारतीय जनता पार्टी तार प्रतिवाद करपरी राजनैतिक हिंसा को देखी बीजेपी अभियोग कर बेंगल पर ओडिशार भी शासक दल राजनैतिक प्रतिद्वंदी को परास्त करने को रक्तमुखा हो जो भाई भाव में पश्चिम बंगे ममता बनर्जी जो मैंने विरुद्ध जाऊँ विभिन्न बाटर हत्या करो भाव चलती बर्तमान ओडिशा बर्तमान विजु जनता दल ओडिशा रे बर्तमान से ही दिगक जाइए आज जो घटना महांगा रे करछन सारा ओडिशा रे आमे करिकर देखेबू पूरा पूरी भाव रे लिस्ट आमे गां गां रे मारिबू तापर आमे जे देखिबू जे विजु जनता दल आमर कोन करछ जेटी लढाई निश्चित भाव रे हबो लढाई रु आमे पछिबू नाही नारी निर्यातना जेपरी बडी चली छी राजनीतिक हत्या कार्य भी मध्य समिति आरंभ हो गेलानी पॉलिटिकल मर्डर तो होउची ना देखले काली हला पुनी वेस्ट बंगाल सहित काई कंपेयर करछंती तार तुलना कर आवश्यकता कौन आमर ओडिशा ना ओडिशा तो हूँ राजनीति में हिंसा को केबे भी प्रश्रय दिया उचित नुहे एवं आमे केबे भी राजनीति में हिंसा को प्रश्रय देना राजनीतिक दृष्टि बीजेपी आमर विरोधी दल भाव कौन कहे सीटा बड़ कथा नुहे ओडिशा रे प्रभु जगन्नाथ देश में हिंसार प्रश्रय ना राजनीतिक हिंसा को नहीं चर्चा पश्चिमबंग विगत किसी मस भर बेंगल ने 300 रु अधिक लोक हत्या करा नहीं खोद केन्द्र गृहमंत्री अभियोग करते बेंगल पर ओडिशार भी बढ़ुची राजनैतिक हिंसा पूर्वर बीजेपी विकास पर्व शोभायात्रा बेले बरगढ़ में केन्द्रमंत्री संतोष गंगवार और स्वाधीन निरंजन गाड़ी उपरकू आक्रमण होता से हीपरी महांगारे बीजेपी राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा अंडामाड़ और खारवाड़ स्वाईं उपर रायगढ़ आक्रमण होता यह सब राजनैतिक असहिष्णुता को देखी प्रश्न उठू राजनैतिक हिंसा रे बेंगल रास्ता ओडिशा जाऊँ कि बांकेरु कानुचरण बेहरा खोर्धारु विक्रम केशरी साहू ढेंकानाल विप्लव रावल भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज डॉक्टर एस मुरलीधर हाइकोर्टर नूतन मुख्य विचारपति हिसाब से आज शपथपाठ करेंगे और पद गोपनीयतार शपथपाठ कर राजभवन अभिषेक हल रे सकाल 9:30 समय रही राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइबे राज्य गृह विभाग पक्षर एथपाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई जस्टिस मुरलीधर ओडिशा हाइकोर्टर 32वां मुख्य विचारपति भाव शपथ ने कोविड 19 कटका को दृष्टि रखी कम संख्यक विचारपति विचार विभाग अधिकारी पुलिस अधिकारी शपथ पाठ रे उपस्थित रहिबे बोली जाना पड़छि। कई दिन होइथबो बिरजु कुल्लू गांव को फेरिथिले तांको स्वागत संबर्धना दिया जाइथिला किंतु दुखर कथा जे बिरजु कुल्लू पुणि निखोज होइछंती गतकाली राति गोटाए समय से निखोज होइथबा जणा पड़िछि एनी तांको भौणी बेरनादेत कुल्लू कुत्रा थाना रे अभिजोग करिछंती तबे बेरनांकर कहिबा कथा तांको भाई निखोज होइछंती पाकिस्तान जेल रे 20 वर्ष रहिबा परे गत अक्टोबर 26 तारिख रे मुकुलिथिले बिरजु आउ गत नवेम्बर 13 तारीख रे जन्म माटी रे से पहुंची थिले बिरजुंकर घर सुंदरगढ़ जिला कुत्रा थाना जंगरपड़ा गाँव रे बाबद अधिक सूचना पाई फोन लाइन आम प्रतिनिधि सागर अछंती सागर नवेम्बर मास रे ही घटना सामना को आसीथिला जेतेबेले जन्म माटी रे बिरजुंक जन्म माटी रे उत्साह देखिबा को मिलिथिला जे एते वर्ष परे निज माटी को फेरिछंती किंतु विडंबनार कथा दुखर कथा गतकाली से पुणी निखोज होइछंती कोन रहिछि पूरा घटना देखु तो बिरजु कुल्लू विगत 20 वर्ष धरी पाकिस्तान रे जेल रे रहिबा परे गत नवंबर 13 तारिख रे से निज गां माटी को फेरिथिले गां माटी रे जेतेबेले से पहुंची थे से भाव विवर रही निज संपर्क मान को भेटिथिले एवं गाँव में पहुंची से बहुत खुशी बोली जहाँ से मत व्यक्त करते भाव विवर हो कहीं कहीं कांति पकईले कि दि मस बीती नर्तमान जानुरी गत काली से निखोज अच्छा निश्चित अंचल चांचल्य सृष्टि कर
ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ସେ ଆସି କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁଜବ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିର୍ଜୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ବୋଧେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡି ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କୁତ୍ରା ଥାନା ପୋଲିସ ଓକେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବେର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିଛି କାରଣ ସେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବେର୍ଣ୍ଣାଦେଙ୍କର ଥାନାରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ 2 ତାରିଖ ରାତି 12 ସମୟରୁ ସେ ଆଉ ବିର୍ଜୁ କୁଲ୍ଲୁ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଯାଇ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ସେ ମିସିଂ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଯଦି ବିର୍ଜୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଏ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଏ ବାବଦରେ କେହି କନଫର୍ମେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉଡା ଖବର ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ସାଗର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିର୍ଜୁ କୁଲ୍ଲୁ ଗତ ରାତିରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବେର୍ଣ୍ଣା ଦେତ୍ ସିଏ ଥାନାରେ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମମାଟି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନଭେମ୍ବରରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିର୍ଜୁ କୁଲ୍ଲୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।